हमारी और आपकी लाइफ बहुत सारी जगह उलझी रहती है, लेकिन उन उलझनों को सुलझाने के लिए आज गीत के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं बाइंडर क्लिप। अब ये छोटे से क्लिप का आपको लगता होगा कि गीत इसका तो नॉर्मल यूज़ हम करते हैं कोई पेपर को होल्ड करने के लिए या फिर किसी और चीज़ को नॉर्मली अगर हमने ग्रिप देनी है तब, लेकिन इसका और भी जगह यूज़ होता है। सपोज़ आपको फ़ोन में कोई भी वीडियो देखना है तो इसके लिए हम नॉर्मली ऐसे लगाएंगे और ये इट कैन वर्क लाइक अ स्टैंड। तो आप ऐसे कोई भी वीडियो आराम से बैठकर ऐसे देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको टिकाना है, सो ऐसे ही टिका सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, वैसे बाइंडर क्लिप मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हैं, तो जैसे हमारे पास कभी कभी ऐसे बहुत सारी शीट्स हैं, अगर हमने उसकी एक डायरी बनानी है तो उसके लिए भी बहुत ईजीली हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास और भी बहुत सारे बाइंडर क्लिप्स हैं, आप इसको यहाँ ऐसे लगा देंगे, लगातार आप बहुत सारे क्लिप्स लगा सकते हो। और एक काम आपको करना है, उसके बाद ये जो इसका ये स्टैंड्स हैं इसको रिमूव कर देना है। वो रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईजीली ये रिमूव हो जाते हैं और ईजीली ये आपका एक अच्छा सा डायरी बन जाता है। इस क्लिप्स को जब आप ऐसे अंदर प्रेस करेंगे सो ये इस तरीके से निकल जाएंगे, यहाँ से ईजीली निकल जाएंगे। एक नोट पैड को एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। और साथ साथ ये जो हमारे ईयर प्लग्स हैं, फ़ोन में उलझे रहते हैं, बैग्स में उलझे रहते हैं, जैसे ये आपकी वायर है उलझ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको सबसे पहले यहाँ से एक क्लिप के ज़रिए होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे रोटेट कर सकते हैं ईजीली। आप इसको ऐसे करके और यहाँ से ऐसे इसे निकाल देंगे, इससे चीज़ें बैलेंस रहेंगी और अच्छे से रहेंगी। तो देखो ये बाइंडर क्लिप कैसे हमारी मैसी लाइफ को बाइंड करके रखता है, इजी करके रखता है, स्मूथ करके रखता है। अगली बार गीत के ड्रॉअर में और कुछ होगा आपके लिए वेरी स्पेशल। वैसे इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।